अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजियो मेलिया मेथड, के जिसकी आपको पहले भी हैंड आउट्स दिए हैं एंड यू हैव रेड अबाउट इट। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से कुछ इसकी डिस्कशन कर लेंगे, देन वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन इन द ग्रुप और फेस टू फेस इन द क्लास। सो रेजियो मेलिया मेथड जो है, दिस इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, और ये एक आर्टिकल जो है वो गैब्रिएला केलेमैन का लिया गया है, और इसके एब्स्ट्रैक्ट में अगर आप देखें तो उसमें आप यही कहेंगे कि द कंसर्न ऑफ पैडागॉग्स ओवर द ईयर्स फोकस ऑन एन इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन टू फेस सोशल लाइफ, टू कोप प्रॉपरली विद द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड दैट दे विल लिव इन एंड कैरी आउट देयर एक्टिविटी स्टार्टिंग विद द प्री स्कूल पीरियड देन स्कूल एज एक्सेट्रा। सेवरल रिसर्चर्स हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वन ऑफ दीज रिसर्चर्स was Reggio Emilia, and in this article we will highlight the strong points of this method in order to educate properly children of young age. So basically ab iske abstract se aapko pata chal jayega yahan se hi ke effective training of children to face social life, to cope properly with the challenges of the world and carry out their activities, preschool se hi in cheezon pe focus ke sath jo hai Reggio Emilia method is pe focus karta hai. So the Reggio Emilia method stands for a philosophy that approaches preschool pedagogy, namely preschool and early school children's education, in a different manner, where community and environment play an important role in child education. This method joins child education, child well-being, children's financial rights with the support given to the families. Okay, so these things are not usually given any attention to, लेकिन Reggio Emilia approach में इन चीज़ों को भी तवज्जो दी जाती है। So child well-being, child education, और आप खुद देखेंगे कि fundamental rights और family support जो है कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ भी आप देखें कि बहुत से पाकिस्तान में models ऐसे हैं कि जहाँ पे deserving families के बच्चे जब school जाते हैं तो फिर उनके पास इतनी resources नहीं होती कि वो अपनी normal school activities को carry on करें, तो उनको कभी बुक्स भी दी जाती हैं, उनको लंचेस ऑफर किए जाते हैं, उनको इवन यूनिफॉर्म्स कई दफ़ा ऑफर किए जाते हैं, इसलिए कि ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स घर पे फेस कर रहे हैं कम से कम वो स्पिल ओवर उनकी एजुकेशन में ना हो, और उनका एक्सपीरियंस जो है इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग विद। But where does this method come from? After the World War II, when the whole society was suffering in a small Italian town called Reggio Emilia, अब ये आप देखें कि ये अप्रोच जो है ये अपने इसके होम टाउन से आ रही है, और इसीलिए यहाँ पे फोकस जो है ऑफ द कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बिल्ट इन है। द कम्युनिटी लेड बाय लॉरेंस मेलागोजी, टीचर फिलोसफी एंड फिलोसफर एंड पोइट, सेट द बेसिस ऑफ एन एसोसिएशन दैट वुड सपोर्ट चिल्ड्रन। दे बिल्ड स्कूल्स विद देयर बेयर हैंड्स एंड सेट द बेसिस ऑफ अ न्यू फिलोसफी इन चाइल्ड एजुकेशन वेयर कम्युनिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। The Reggio Emilia method is centered on the community and its culture. इसको बहुत important है कि जहाँ पे आपने रहना है वहाँ का culture, वहाँ की जो भी ज़रूरियात हैं और वहाँ के traditions, उनको बहुत importance दी जाती है। But the fact worth mentioning is that its ideas are based on preschool education principles developed by researchers like John Dewey, John Piaget, and Lev Vygotsky, David Hawkins, Jeremy Bruner, and Howard Gardner. तो ये सारी जो फिलोसफीज इससे पहले भी ह्यूमनिज्म वाली भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म भी आता है, कुछ कॉग्निटिविज्म के स्पिल ओवर होते हैं, तो इन चीज़ों से सारी इन्फ्लुएंस होके इस मेथड को अडॉप्ट किया गया और डिज़ाइन किया गया। ओवर टाइम Reggio Emilia अप्रोच डेवलप्ड एंड केम टू बी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ वायबल मेथड विद हाई फॉर्मेटिव क्वालिटीज फॉर चिल्ड्रन। दस इन 1994 a non-profit organization was founded called Friends of Reggio Emilia International Association, aiming to continuing Lawrence Malaguzzi's ideas. Ji, so iski philosophy kya thi Malaguzzi ki, ke started from the belief that the child's education should start from the idea that each child is curious and creative. Ye uski basis hai. The child is not an individual with an empty memory, यानी खाली दिमाग लेके वो जो टेबुला रासा वाला था कि जी एम्प्टी बॉक्स है उनका दिमाग, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये इस तरह से टीचर को उनको बच्चों को अप्रोच नहीं करना चाहिए कि उनके दिमागों को फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, इंफॉर्मेशन से भर दिया जाए, बल्कि अकॉर्डिंग टू Reggio Emilia मेथड द करिकुलम फॉर अर्ली एजुकेशन एंड यंग स्कूलिंग
should be flexible and focused on children's needs. The curriculum design should be centered on child's needs and should be adjustable. The Reggio Emilia method has its as a main objective the development of each child's consciousness to the desire to learn and explore reality throughout his life. तो खाली ये कि grades पे focus नहीं है, assessment पे focus नहीं है, बल्कि child की conscious की development इस तरह से हो कि उसमें desire to learn भी बने और वो सारी उम्र जो है इस desire के साथ अपनी reality को explore करता रहे. अब इसके main principles इस article के हिसाब से भी हम देखते हैं और उसके बाद एक handout है उसमें भी main principles को उन्होंने focus किया हुआ उसको भी हम देखेंगे. The Reggio Emilia method promotes the community involvement in child's education. In some respects, this method has similarities with Montessori and Waldorf alternatives. Similarities sab aa rahi hai jahan pe bhi child focus hoga, children needs ki baat hogi, unki emotional well-being ki baat hogi, wahan pe obviously similarities to zarur rise karengi. For many parents, the moment the child starts school or any school is an important but also concerning moment. Family will move to the second place while education will be taken over by an educational institution. तो यानी कि आपने भी देखा है कि when you were in school या when you were in school तो फिर ये कि school की activities number one होती थी, homework मिला नहीं मिला, your entire life, the child's entire life is guided by whatever is going on in the school or family life जो पहले focus थी उसको second place मिल जाती है. This fact brings about a lower involvement of family in child's education, a separation within which different responsibilities are passed on from the family members to the preschool institution. Hence the idea of community involvement to improve conditions for education children. अब उन्होंने कहा कि इस तरह से अब हमारे भी यहाँ पे हर चीज़ पे जिस तरह टीचर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो वो नहीं बल्कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके बच्चे की एजुकेशन के साथ उनको इन सिंक रखा जाए. तो Reggio Emilia school has a leader that informs the local council about all schools' problem and objective. All members of the teaching staff lead the educational act according to the children's interest, which are carefully considered through different methods. Ab this is something ke teachers ko bhi utna involve kiya jata hai, educators and staff ko, in order to achieve the desideratum. There are two teachers in each classroom who complement each other in everything that education means: care, supervision and work with children. So two teachers share the responsibility of all this in the classroom. There is also a trained art teacher, at least two art branches, that is responsible for a workshop. In a workshop, children find many and different materials from those found in nature. So materials from nature, aur phir unka jo ird gird unki environment hai uske bare mein unki aagahi hona, unko janna, that's very important. They are free to make experiments with them, to use them as they want to, because their aim is to develop the child's creativity and imagination. ठीक है, द टीचर्स, द वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल टीचिंग स्टाफ आर अ टीम दैट वर्क्स टुगेदर फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट. द मेन ओरिएंटेशंस ऑफ द मेथड आर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, द नीड टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक लाइफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द यूनिकनेस ऑफ ईच चाइल्ड. हर बच्चा जो है यूनिक है और हर बच्चे ने एक फ्री और डेमोक्रेटिक लाइफ जो है वो गुजारनी है. तो दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. तो बच्चे को उसी तरह से तैयार किया जाए. तो यहाँ पे भी जो कुछ बात है कि जी हमारी एजुकेशन गुलामाना सोच पैदा करती है, तो नहीं, उनमें इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग जो है वो जरूरी डेवलप किया जाए. एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिपल रिलेशन, स्कूल कम्युनिटी और जो फैमिली है उसका ट्रिपल रिलेशनशिप जो है लिंक कायम किया जाए. स्टिमुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटर रिलेटिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ओपननेस फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटिंग. अब रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटिंग के लिए फिर यानी टीचर्स भी डेडिकेटेड हों और बच्चे को भी बताया जाए कि उन्होंने एक्सप्लोर करना है, खुद से इनिशिएटिव लेना है. वर्कशॉप एक्टिविटीज, द नीड टू मेंटेन अ रियल एंड म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, स्ट्रेस ऑन मेटाकॉग्निशन कि उनको पता हो कि वो जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है. कॉन्शियस लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अब ये सारी इसकी मेन जो है मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग है. So learning by doing is an important part in the Reggio Emilia approach. अब इसमें आप देखें कि relationship, communication and thoughts, ये सब जो है इनके दरम्यान में relationship find किया जाता है communication के through, thoughts के through, learning by doing को promote किया जाता है. Reggio Emilia method places high emphasis on the child's ability to recognize his or her formation by developing innate potential and by revaluing the child's aspirations. The child is not an empty entity that waits for the educational factors to fill in that hole. The child is a personality in development
with interest, aspirations, and a certain non-recurring individuality. हर बच्चा यूनिक है, यूनिक इंटरेस्ट, यूनिक पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको अपने जो है चॉइसेस एक्सप्लोर कर देनी चाहिए और अपनी रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की का मौका देना चाहिए. Capable of following his own path in life if helped by parents, teachers and society. In order for the child to achieve something, it is necessary to put an emphasis on child's communication and socializing abilities to show affectionate care and to build confidence in their own forces. So these are important objectives. Communication bache ki achhi ho, socializing abilities jo hai us pe focus ho, affectionate care ki unko mauke diye jaye and confidence build kiya jaye. So these are important canons within the Reggio Emilia approach. Vision on games. अब गेम्स जो है किस लिए वो यूटिलाइज हो सकती हैं कि फुली इंगेज इन एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. ये बच्चे हैं हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू सिंबल्स. बच्चों में ये एबिलिटीज ऐसी हैं कि जो उनको गेम्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट बनाती हैं. कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं. नीड टू कंसिडर इन वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू टेकिंग फॉर द चाइल्ड and producer of culture, values and rights. So these are important considerations when introducing games to the children. Parents, schools and community must create an educational environment where the child has the opportunity to communicate and relate to other children. They should create an environment that develops the communication and relating abilities where she or he feels free, but at the same time protected and loved, stimulated to explore and learn. The three educational factors: collaborate and take part in children's education. Parents are actively involved in the life of educational institution. Any har tarah se participation, indoor outdoor activities or family ko as a partner, not as a consumer. Ki ji yahan pe customer ke taur pe nahi aapne deal karna, ki parents aage parents ko partners ke taur pe deal karna of the educational activity aur unko pata ho kis maqsad ke liye kya kaam ho raha. The teachers are those who set the contents of learning, the objectives that would be followed and fulfilled, and the context in which they will be carried out. The main goal is the child's benefit and the observance of his interests and fundamental rights. The educational institute is designed to be an educational environment adapted to the requirement of the child's education according to his needs for exploration and learning, where special architecture is conceived as functional, challenging, and open to exploration and लर्निंग. अब ये देखें आप, आर्किटेक्चर भी ऐसा हो कि एक फ्लो हो ऑफ द इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, तो वो किस तरह से होगा. एज अ रेजियो एमिलिया मेथड लेज एम्फेसिस ऑन द लर्निंग स्पेस, इट शुड ऑफर चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड वेलबींग एंड देन बी अ कॉग्निटिव स्टिमुलस दैट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू इंटररिलेट एंड टू मोटिवेट एंड डेवलप देयर डिजायर टू एक्सप्लोर न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. Reggio Emilia method aims at promoting speech development under a cognitive, symbolic, ethical, metaphorical, imaginative and relational aspect. So speech development jo hai wo khali rote memorization ke through aapne koi language sikha nahi deni, first or second language, balki aapne is kis tarah se wo symbolism istemal kar rahe hain, ethics kis tarah se represent ho rahe hain, metaphorical representations kaisi hain, unki imagination engage ho rahi hai aur apni रियलिटी से किस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों में किस तरह से वो रिलेशंस को परसीव कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान दे के उनकी स्पीच डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. द एजुकेशनल एनवायरनमेंट हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ दीज एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स. देयरफॉर वी कैन कंपेयर द एजुकेशनल एनवायरनमेंट टू अ कम्युनिटी इन मिनिएचर. सो एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या है? कम्युनिटी इन मिनिएचर के जहाँ सब लोग मिलके रहते हैं, डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर सबके रोल्स डिफाइंड होते हैं, तो उसमें किस तरह से अपने आप को कैरी आउट करना है, शुरू से ही बच्चे को ये वाली आपने ट्रेनिंग दे देनी है. कल्चर एंड सोशल एथिक्स, प्रो सोशल एटीट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड्स प्रमोटेड बाय स्कूल करिकुला एज स्टेटेड बाय द फाउंडर ऑफ द मेथड. द एनवायरनमेंट शुड एक्ट एज एन एक्वेरियम व्हिच रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज, एथिक्स एंड एटीट्यूड्स एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल हु लिव इन इट. ठीक है, तो क्लासरूम इज अ मिनिएचर ऑफ द रियलिटी इन विच दे विल गो एंड लिव देयर रियल लाइव्स. This is what we are working towards. Artificial environment is tarah ki nahi bana deni ki society se cut off ho, balki society is integrated. Children are individuals with different paces of development, with different action and information process paces, with different pace of world understanding. Therefore education factors have to take into consideration these aspects and respect them. Adults mostly regard children as their equals in what concerns world understanding and act sequentially.
बच्चे जो हैं वो अडल्ट उनको कैसे परसीव करते हैं एज देयर इक्वल्स, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके एक्सपोजर के हिसाब से उसी तरह से डेवलप हो रही है जिस तरह अडल्ट की डेवलप हुई है. दे पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स, रशिंग देम ऑल द टाइम, नॉट हैविंग पेशेंस टू लिसन एंड गाइड देम, मेकिंग देम ग्रो अप टू फास्ट. और ये एडवर्सली भी बच्चों को अफेक्ट करता है कि कभी जो है वो उन पर बहुत एडेड प्रेशर डाल देते हैं, या बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कायम की जाती हैं. जैसे अब छोटे स्कूल में बच्चों पर इतना ज़्यादा स्कूल वर्क एंड होमवर्क, तो इट रिक्वायर्स अ सर्टन काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन. और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा जो है उसी डिसिप्लिन से काम करता जाए 12 घंटे दिन के या 8 घंटे, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को अप्लाई करता जाए और जितने जितने उसको टास्क दिए गए हैं वो कंटिन्यू वो अकॉम्प्लिश करता जाए, विच इज़ एन अब्सर्ड रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन. के बच्चे जो हैं अभी ना इतने ट्रेंड होते हैं ना इतने डिसिप्लिन होते हैं, और उनकी जो नेचुरल एक चाइल्डहुड की फेजेस होती हैं उनको उसी में रहने देना चाहिए. ठीक है. द रेजो मिला मेथड फोकसेस ऑन द कम्युनिटी, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट ऑल एजुकेशन फैक्टर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू कम्युनिकेट विद चिल्ड्रन इन ऑल पॉसिबल मैनर्स. तो खैर चलें, ये चीज़ें वही रिएट्रेट होती हैं, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. द टीचर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं. द चाइल्ड्स को पार्टनर इन डिस्कवरिंग द सराउंडिंग वर्ल्ड, को पार्टनर है टीचर टू चैलेंज चिल्ड्रन टू फाइंड द आंसर्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू रिलेट फ्रेंडली इन अ फ्रेंडली मैनर टू एलैबोरेट एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स. अब देखेंगे वही बात है जो फैसिलिटेटर और गाइड वाले रोल्स आ रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अभी फ्रोबल में भी पढ़ा. So, to organize educational environment in a pleasant and useful manner, to lead children towards new explorations and a proper understanding of the surrounding world. So, ye teacher ke roles hain sare. Yahan pe dekhen direct teaching jo hai wo kahin nahi hai, balki unki exploration, discovery, creativity, imagination ko support karna hai. So, the teacher has to follow certain principles regarding children education. She will team up with the parents and they will follow the child's evolution and progress. थोड़ी आगे चीज़ें चलते हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा प्लीज़. खुद से हम इसकी डिस्कशन भी कर लेंगे. द फिलोसफी ऑफ रेजो मिला मेथड रेजेस सम क्वेश्चंस व्हाट वी नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन. वन कंसर्न्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी टेक फ्रॉम दिस एजुकेशनल फिलोसफी, हाउ वी अडेप्टेड टू द, अभी चूंकि आर्टिकल रोमानियन एजुकेशनल सिस्टम के परस्पेक्टिव में लिखा है, इसलिए उसने कहा है कि इस तरह की अप्रोच को जब अडेप्ट करेंगे अपने गिवन कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ कंसिडरेशन होती हैं, और क्यों उसको हम लेंगे, तो उसकी कोई ना कोई मेरिट्स या उसकी एडवांटेजेस हैं जिसको उसने एडवोकेट किया है. तो द आइडियाज एडवोकेटेड बाय रेजो मिला आर वर्थ टू बी फॉलोड बिकॉज दे एम एट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस. क्यों? क्योंकि इट प्रमोट्स एवरलास्टिंग वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, इट प्रमोट्स द बेस्ट आइडिया फॉर एजुकेशन, इट अप्लाइज द चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन, इट एनकरेजेस गेम्स एंड एक्टिविटीज, टीचर एंड चाइल्ड आर व्यूड एज पार्टनर्स इन प्लेइंग एंड लर्निंग. तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल जो है इसकी बेसिस है, कि जिसकी बेसिस पे ये पूरा मेथड कायम है. अगर ये वाले जो है एस्पेक्ट्स लूज हो जाएं हमारी स्कूलिंग में, तो फिर ये रेजो मिला अप्रोच की जो ट्रू फिलोसफी है वो हम फॉलो नहीं करेंगे. तो इन द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में इस अप्रोच से अप्लाई कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं दूसरी अप्रोचेस के साथ, और कौन से जो चीज़ें हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी हमारे लिए पॉसिबल है और कितनी नहीं, तो इसकी फिर डिस्कशन हम जो है वो मज़ीद भी करेंगे. अभी हम एक और जो हैंड आउट है उसकी तरफ चलते हैं. लेट मी जस्ट ओपन दैट फॉर यू. So this is the second handout, which is principles of the Reggio Emilia approach to education. और इसमें भी हमने वही principles को reiterate करेंगे कि image of the child क्या है. Children are viewed as competent, curious, and full of knowledge, potential, and interested in connecting to the world around them. The image of the child is important. Then collaboration and interaction, किसकी entire जो आपकी community है, parents की, school की. Families are joined together to continue to improve the system that supports our school community, which is important. Ye connections banana. Then the environment is very important, and us environment mein the space within the schools. Aur ye isko third teacher ke taur pe unhone kaha hai, theek hai na? Teachers intentionally organize support and plan for various spaces for children.
The daily schedules are planned to ensure that there is a balance between individual, small and large group activities. With the three subjects of education, again, उन्होंने वही point emphasize किया कि children, families and teachers जो हैं वो three important integral parts हैं. The power of documentation, इसकी पहले हमने भी बात नहीं देखी. Documentation is a means to collect information, observations and learning. It can be in form of observations, photography, video, conversation transcripts or visual mediums like paint, wire, clay. तो इसमें ये कि बच्चों की activities भी और टीचर्स की जो रिकॉर्डिंग्स भी, ये दोनों को हम एज डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ले सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद इमर्जेंट करिकुलम की उन्होंने बात की. इमर्जेंट करिकुलम विच इज़ डायरेक्टेड बाय द नीड ऑफ द कम्युनिटी एंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन दैट कम्युनिटी. इमर्जेंट करिकुलम इज अ वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दैट रिक्वायर्स टीचर्स टू ऑब्जर्व एंड लिसन टू द चिल्ड्रन. टीचर्स आस्क क्वेश्चन एंड लिसन फॉर द चिल्ड्रंस आइडियाज, हाइपोथेसिस एंड थियरीज. आफ्टर ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन, द टीचर्स कंपेयर, डिस्कस एंड इंटरप्रेट देयर ऑब्जर्वेशंस. टीचर्स प्लान एक्टिविटीज, स्टडीज एंड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस. टीचर्स पार्टनर विद चिल्ड्रन एंड द एक्सचेंज ऑफ थियरीज आर रेफर टू एज द साइकिल ऑफ इंक्वायरी. ठीक है. और इसके थ्रू ही जो करिकुलम है उसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं. Teachers use their interpretations, intentions and goals to make choices that they share with the children. Phir the 100 languages of the children. This is a unique concept. Ke 100 language kya hai ki jab children koi bhi discovery kar rahe hote hain, learning kar rahe hote hain, to wo jis jis tarah se sochte hain ya verbalize karte hain ya apne concepts ko shape karte hain, wo unki ek unique language hoti hai. Theek hai. What is done with the materials, not output. अच्छा, ये उन्होंने एक टीचर की बात की. द स्टूडियो टीचर ऑफ whatever works closely with other teachers and the children through the studio, an intentional space containing materials and tools to pursue thinking and concepts. अब जिस तरह से बच्चे उन टूल्स के जरिए अपनी थिंकिंग को शेप करते हैं, वो उनकी एक यूनिक लैंग्वेज होती है. In addition to the larger studio, mini studios are found in every discovery. तो ये discovery areas जो हैं ये इस अप्रोच में इनकॉर्पोरेटेड हैं. व्हाट इज डन विद द मटेरियल्स नॉट आउटपुट से, बिकॉज द व्यू ऑफ रेजुमिलिया इज दैट चिल्ड्रंस यूज ऑफ मीडिया इज नॉट अ सेपरेट पार्ट ऑफ करिकुलम बट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द होल कॉग्निटिव सिंबॉलिक एक्सप्रेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इज देयर इन ओन यूनिक लैंग्वेज. फिर रोल ऑफ द टीचर पहले भी हमने देखा. को कंस्ट्रक्टर्स, पार्टनर्स, गाइड्स, नर्चरर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लर्नर्स भी हैं और हाइपोथेसाइजर्स भी होंगे. फिर रिसर्चर्स भी होंगे, डॉक्यूमेंटर्स भी होंगे, एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रन, इन्वॉल्व इन कम्युनिटी पॉलिटिक्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और उनके लिए वो बोलेंगे भी. फिर रोल ऑफ पेरेंट्स भी इसमें आ गया. पेरेंट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्कूल और कम्युनिटी और उनको अंदर इन्वॉल्व रखा जाता है. फिर द रोल ऑफ टाइम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी. तो वो इंटरेस्ट एक्टिविटीज जो चिल्ड्रन की होंगी लाइफ विद इन द स्कूल में, उसमें टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फिर उसमें स्केड्यूल्स, ग्रुपिंग्स और रूटीन्स को जो है वो आप वेरी इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करते हैं. टीचर्स गेट टू नो द चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन स्टे विद द सेम टीचर एंड द सेम पीयर ग्रुप फॉर 2 years. ओके. फिर प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के थ्रू करवाया जाए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, उसमें प्रॉब्लम्स पोज की जाए, उनको जो है वो सॉल्व किया जाए. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर अ स्टेपल ऑफ द रेजुमिलिया अप्रोच. ठीक हो गया. चलें जी, अब इसको आप खुद भी रीडिंग दें. एनी क्वेश्चंस विच अराइज फ्रॉम दिस यू कैन आस्क मी एंड आई विल सेंड यू द असाइनमेंट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन दीज हैंडआउट्स इन योर ग्रुप, और वो आप लोगों ने मुझे करके देना है. ठीक है. चलें, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस देम इन क्लास.